हेलो, मैं प्रीति इजी टू कुक से। आज मैं आपको घर पर आसानी से कैसे पोहा बना सकते हैं वो बताऊंगी। पोहा बनाने के लिए हमें चाहिए एक आलू कटा हुआ छोटे छोटे स्क्वायर में, एक प्याज छोटे पीसीज में कटी हुई, थोड़े से मूंगफली के दाने, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च लंबी कटी हुई, एक छोटा टमाटर कटा हुआ महीन बारीक, नमक स्वाद के अनुसार, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर। पोहा भिगोकर पानी निकाला हुआ, अब कढ़ाई में तेल डालेंगे और हम आलू को फ्राई कर लेंगे। ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। पोहा बहुत ही आसानी से बन जाता है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता है। अक्सर ही हम लोग के घरों में नाश्ते में बनता है क्योंकि खाने में बहुत होता है। अब इसमें हमने प्याज डाला, जब आलू हल्का सा ब्राउनिश हो जाएगा इसी तरीके से इसको लगातार चलाते रहेंगे। हम चाहे तो विदाउट ऑयल भी पोहा बना सकते हैं माइक्रोवेव में। वो हम किस तरीके से बनाएंगे मैं अपनी मेरी जो नेक्स्ट रेसिपीज होंगी उनमें आप देखिएगा, क्योंकि कुछ लोग बिल्कुल भी ऑयल खाना पसंद नहीं करते हैं, उनको नुकसान करता है। अब इसमें थोड़ी सी मूँगफली डाली, मूंगफली का दाना हेल्थ के लिए अच्छा होता है। उसको चलाएंगे, जब ये थोड़ी सी आवाज़ करने लगेंगे फटने लगेंगी तो इसका मतलब मूंगफली हमारी तैयार है, भुन गई है। ऐसे ही चलाते रहेंगे धीरे धीरे। अब देखिए ये सब चीज़ एकदम ब्राउनिश होने लगी है, यानी ये चीज़ मिक्सचर तैयार है। अब इसमें थोड़ा सा एक चम्मच मस्टर्ड सीड यानी राई डालेंगे, कड़ी पत्ता, मिर्च, कड़ी पत्ता भी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, टमाटर, इसको अच्छी तरह से चलाएंगे। अब इसमें हम हल्दी पाउडर, हल्दी भी बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है हमको, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, नमक, उसे चाहिए। और जो पोहा हमने रखा हुआ है, पोहा को थोड़ा हम पहले भिगो देते हैं करीब आधा घंटे पहले, ताकि वो अच्छे से उसमें पानी निकल जाए और वो खिल जाए। पोहा खाने में बहुत ही लाइट है, इसको चला लेंगे हम। बस पोहा करीब करीब हमारा बनने को तैयार है। तो लोग इसे मटर भी डाल देते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप इसमें कितनी वेजिटेबल्स डालें। तो नींबू निचोड़ देते हैं आधा और इसे चला देंगे। ये तैयार है। अगर आप मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।